नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजे टॉक्स में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पांच ऐसे रेवोल्यूशनरी आविष्कारों की जिन्होंने दुनिया में जीने के तौर तरीके ही बदल दिए और इंसान इन इन्वेंशन के बदौलत बदलाव की लंबी लंबी छलांगें मारता रहा है। तो कौन से हैं वो पाँच मिरेकुलस इन्वेंशन, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ज़रूरतें इंसान के लिए प्रगति के रास्ते खोलती है, इसलिए कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सच कहते हैं। अगर इंसान ने समय समय पर अपनी ज़रूरतों को पहचान कर उस पर छैनी हथौड़ी नहीं चलाई होती तो आज का आधुनिक मानव भी तरक्की का ये सफ़र पूरा नहीं कर पाता। सोचो वो दौर कैसा होगा जब इंसान को मीलों का सफ़र अपने पैरों से पूरा करना पड़ता था या फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट खबर को पहुंचाने के लिए दिन महीने साल तक लग जाते थे। ये सोच के अब हमें कितना अजीब लगता है, क्योंकि हम आज के सिनेरियो से जब उस फ्लैशबैक में सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू भी उतरने की कोशिश करते हैं तो हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है। ये सोच के कि कितना मुश्किलों भरा वक्त रहा होगा वह इंसान के लिए। तो ह्यूमन हिस्ट्री के पांच ऐसे इन्वेंशन जिनसे इंसान ने असाधारण प्रगति की और ह्यूमन लाइफस्टाइल और इजी होती गई वो इस प्रकार हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पहला जो इन्वेंशन है वो मानव इतिहास के शुरुआती कालखंड का है, जिसे हम पाषाण युग यानी स्टोन एज भी कहते हैं। यह खोज इंसान के प्रगति के लिए रेवोल्यूशनरी सिद्ध हुई, जिससे इंसान की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आग की खोज की। आग की खोज आज से लगभग 20-25 लाख साल पहले हुई थी। हालांकि खोज का एग्जैक्ट समय क्या था उसकी जानकारी अलग अलग रिसर्चेज में अलग अलग बताई गई है। दोस्तों कहते हैं कि आदिमानव ने आग की खोज पत्थरों को रगड़ने से की थी। जब वो पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे तो उनके रगड़ने से चिंगारी पैदा हुई, जिससे उन्हें आग के बारे में पता चला। आग की खोज के बाद जो इंसान की ज़िंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आए वो ये थे कि इंसान पका कर खाने लगा, सर्दियों से बचाव का उपाय मिल गया और जानवरों से बचने में वो इसका उपयोग करने लगे। दोस्तों आग हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है इसके बारे में बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो आग थी वो पहली खोज जिसने ह्यूमन लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव किया। दोस्तों अगला इन्वेंशन ह्यूमन लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना लाइफ कैसी होगी इसके लिए दिमाग सोचना भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि इससे इंसान की स्पीड में वैसी ही कमी आती है जैसे 4G से 2G में आने से। बात हो रही है पहिए यानी व्हील के इन्वेंशन की। वैसे इंटरनेट पर इसके आविष्कार के बारे में बहुत सारी फिजूल बातें लिखी हुई हैं, जिसमें कहीं पे इसके आविष्कार का समय 3500 ईसा पूर्व, कहीं पर 5000 ईसा पूर्व कहा गया है, जो सब गलत है। आप सोचिए अगर रामायण और महाभारत काल में रथों का प्रयोग हुआ था जो आज से लगभग 7-8 हज़ार वर्ष पहले की बात है, तो यकीनन ये पहिए का आविष्कार उससे पहले ही हुआ होगा। पहले इंसान कई सौ मीलों का सफ़र पैदल तय किया करता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह उसे खुद ढोना पड़ता था, वह एक लिमिट तक ही कहीं जा सकता था, व्यापार की बहुत कम संभावनाएं थी, यानी वो एक दायरे में बंधा हुआ था। लेकिन पहिए की खोज ने इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया और इंसान की तरक्की में इनक्रेडिबल इजाफा कर दिया। दोस्तों पहिए का आविष्कार हम सबके लिए कितना ज़रूरी है ये सब हम जानते हैं। आज ट्रैवलिंग बिजनेस जो इंसान की लाइफ लाइन है सिर्फ इन्हीं पहियों की बदौलत चल रही है, इसलिए पहिए इंसान के लिए है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है एक टेलीफोन। दोस्तों याद है ना वो टाइम जब हम अंतरदेशीय चिट्ठियाँ भेजा करते थे, महीनों में अपनों की खबर पहुँचती थी, दुआओं में ही अपनों की सलामती की खैरियत मांगी जाती थी, या फिर टाइम मशीन को थोड़ा और पीछे घुमाएं तो कबूतर या किसी जानवर को मीडिया बनाकर एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये सब, जिसमें दिनों में एक खबर कहीं पहुंचती थी और दुनिया पूरी तरह अलग थलग पड़ी हुई थी। लेकिन इंसान के मॉडर्न इन्वेंशन में से एक टेलीफोन ने खुशहाली और समृद्धि के सारे दरवाजे खोल दिए और मनुष्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयां छूने लगा। अपने करीब आ गए इतने कि बस कान के पास, बिजनेस फोन पे होने लगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आसानी आने लगी और इंसान पल पल की खबर अपने पास रखने लगा। इसलिए हमने टेलीफोन को रखा है इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हम बात करेंगे उस इन्वेंशन की जिसने इस दुनिया की काया पलट के रख दी। अगर यह आविष्कार नहीं हुआ होता तो दुनिया एक अंधे के समान चल रही होती, बिल्कुल स्लो मोशन में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बल्ब के आविष्कार की। दोस्तों कहावत भी है ना कि अंधे को क्या चाहिए, सिर्फ दो आँखें, और आँखें तभी देख पाती हैं जब आसपास रोशनी हो। क्या आप जानते हो कौन शख्स था जिसने हमें बल्ब जैसी नायाब चीज़ इन्वेंट करके दी? तो दोस्तों उस महान वैज्ञानिक का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन।
उन्होंने 1878 में दुनिया में अपने इस चमत्कारिक आविष्कार से पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी। मानो फिर जैसे दुनिया पे पंख लग गए और नए नए आविष्कारों की एक सीरीज शुरू हो गई। तो इसलिए हमने चौथे स्थान पर रखा है बल्ब के आविष्कार को। दोस्तों, हमारा पांचवा इन्वेंशन है इंटरनेट, जो आज के समय में सब चीज़ों का सेंटर पॉइंट है। सोचो, अगर 5 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज इंसान के पास जो सबसे कम है वो है वक्त, इसलिए वो हर उस चीज़ को आसान बनाना चाहता है जो टाइम टेकिंग है, और इंटरनेट के आने से वो टाइम गैप बहुत कम हो गया है। दुनिया के काम करने की स्पीड में कई गुना इजाफा हुआ है। बिजनेस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मनी ट्रांजैक्शन, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बुकिंग, सेल, परचेज, लगभग सारी चीज़ें अब इंटरनेट के थ्रू होती हैं। इसलिए इंटरनेट के बिना आज सर्वाइवल करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।